talking about here? So welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting a vlog here with the same energy and the same intensity. So कल था इंडिया का सेमी फाइनल, बट आज है मेरा सेमी फाइनल. एक टूर्नामेंट है जो ऑल ओवर दिल्ली में जो जितने भी गुजराती हैं, मतलब बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होता है और बहुत पहले से भी चलता आ रहा है. आराम से 15-20 साल हो गए होंगे इस टूर्नामेंट को चलते चलते. एंड एक इंटरेस्टिंग चीज ये 2015 या 2016 के आसपास हम लोग भी जीते थे टूर्नामेंट. 2-3 बार सेमी फाइनल जा चुके हैं एंड आज भी वही दिन है. आज हम लोग सेमी फाइनल से पहुंचे हैं. होपफुली ये वाला मैच जीत के हम लोग फाइनल्स में जाए. फाइनल है हमारा 13th of November को. ऑल्सो टू आस्क वन थिंग, सीरियस क्वेश्चन. आप में बहुत लोग बोल रहे थे कि ये साइड वाले जो पौधे काट दो, क्योंकि अभी हैदराबाद से मुंबई गया है, उतने में ये इतना बड़ा हो गया है. आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये निकाल दो, बट मेरे को नहीं लग रहा कि यार ये जंगली पौधे हैं. ये देखो ना कितना क्यूट है. ये देखो हार्ट की शेप का लीफ है. अब इसको मेरे को प्लग करने का मन नहीं कर रहा है, बट अगर जंगली हुआ तो निकालना पड़ेगा. आप कमेंट में बता दो. ऑल्सो इट्स अ ब्यूटीफुल क्लियर डे इन दिल्ली. कोई बारिश का होना पॉसिबल लग रहा है. ऑल्सो मेरे भाई वगैरह भी चलने वाला है मैच देखने के लिए. सो शार लेने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ विच शैम्पू एंड कंडीशनर दैट आई एम यूजिंग. बी ब्लंड का सेलो लाइक हेयर कंडीशनर एंड शैम्पू, जो ये इंटेंस मॉइस्चर रेंज है इनकी. सो द ब्लू वन इज फॉर शैम्पू एंड द व्हाइट वन इज फॉर कंडीशनर. अब इन दोनों शैम्पू और कंडीशनर में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इंग्रेडिएंट चलता है इनमें, विटामिन ई और एक जोजोबा. बहुत सारे नेसेसरी विटामिंस एंड मिनरल्स है जो आपके स्कैल्प को नरिश करते हैं एंड मॉइस्चराइज करते हैं. मोर इम्पोर्टेंटली ऑल्सो विटामिन ई आपके जो भी डैंड्रफ होते हैं एंड जितना भी ड्राई स्कैल्प होता है उसको हटाता है. एंड फ्लेकी जो आपके स्कैल्प रहते हैं पूरे टाइम, आप बाल पे अगर हाथ भी अगर फेरते हो तो नीचे व्हाइट डैंड्रफ गिरने लगते हैं, विच इज क्वाइट विजिबल. आप लोगों को नहीं करना चाहिए. सो टू अवॉइड दैट यूज दिस. हम जो इंडियन वेदर की बात करते हैं, डेली हमारा इंडियन वेदर चेंज होता है. कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया. इसमें एक चीज लिखी हुई है सेलो लाइक हियर, स्टार्टिंग में भी बोला था. तो इसका यही मतलब है कि ये सारे इंडियन वेदर को, सारे के सारे हेयर टाइप को सूट करता है. इवेंचुअली इट विल गिव यू सेलो लाइक हेयर विद एवरी वॉश. ऑल्सो बी ब्लेंड के सेलो लाइक कलर्स भी आते हैं. दिस इज द ब्राउन वन एंड दिस इज द ब्लैक कलर जो कि मैं यूज किया. बट बाय द वे जिनके भी ग्रे हेयर है आप लोग यूज करके देख सकते हो, दिस इज नेचुरल ब्लैक कलर. सो अगर आप लोगों को भी बी ब्लेंड के प्रोडक्ट खरीदने हैं तो जा सकते हैं आप लोग अमेजन, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड बी ब्लेंड की वेबसाइट पे, जहां पे आप लोगों को एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा अगर आप लोग मेरा एक कोड यूज करोगे KTN20, नॉट KTN2022. It's KTN20. तो हमारे ब्लॉक में हम चार लोग रहते हैं, तो हम चारों इकट्ठे जा रहे हैं. ये तीनों के तीनों सेम फ्रेंड है. ये जीतेंगे यार, बेइज्जती करवा के आता है मेरे कॉलेज की IITM. एक बार भी नहीं आ रहे, ठीक है. हम लोग टूर्नामेंट के सेमी फाइनल पे जाते रहे. तुम लोग आईपी यूनिवर्सिटी भी खेले हो, यूनिवर्सिटी आएंगे ना, अभी आएंगे क्या, आके चले जाएंगे. वो सेप्टेम्बर में था, वो डेट नहीं पता है. यूनिवर्सिटी में थोड़ा नाक बचा के आना. एंटरिंग द ग्राउंड यहाँ पे हम, मैं पर्सनली 3 साल पहले खेला था जब मैं 2019 दुबई से पहले जा रहा था, और इसी ग्राउंड में मैच खेल के मेरे को न्यूज मिली थी. मतलब मैच खेल के रिटर्न जा रहा था यहाँ से, मेरे को न्यूज मिली थी कि मैं दुबई जाने के लिए एज अ इन्फ्लुएंसर आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ. सो ये ग्राउंड और भी बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए. यहाँ पे जब भी आता हूँ गुड न्यूज मिलती है मेरे को. आई होप आज भी मिले. ऑल्सो दोज हु आर वंडरिंग, ये कोई अक्षरधाम का ग्राउंड नहीं है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज का कॉम्प्लेक्स है. पीछे देखोगे अगर आप लोगों को तो और स्टेडियम लाइट्स हैं, वहाँ पे सिटिंग है, वहाँ पे स्विमिंग का पूरा इंतजाम करा हुआ. ये प्रैक्टिस के लिए बनाया था जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में. यार पिच तो अच्छी है, पता नहीं लोग क्यों बोल रहे थे बाहर से कि उठ नहीं रही है, ये नहीं होता, नीचे रह रही है. ऑल्सो बाय द वे अभी भी पता चला कि सेमीफाइनल नहीं है, ये हमारा लीग का मैच है. अगर आज अगर हम लोग हारे भी तो भी सेमीफाइनल तो पहुंच जाएंगे. और आज हमारा मैच है पीतमपुरा की गुजरात अपार्टमेंट वाली टीम से. इन लोगों से हमारा अच्छा खासा राइवल चलता है. हम लोग इनके बहुत सारे सीरीज भी खेले हैं जो टूर्नामेंट की नहीं है. कभी हम लोग जीते थे, कभी वो लोग जीते थे. सो बढ़िया राइवल रही, आज मजा आएगा मैच में. मेरे को पता नहीं था कि मेरा इनके साथ मैच है. चल चल शाबाश शाबाश. फर्स्ट इनिंग फर्स्ट बॉल, इनका इनस्विंगर आएगा. बोले हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं.
डब्बा उठा के मारा है। दो टप्पों में यहाँ खड़ा था तो आए थे, सोचा कि ऊपर ही खड़े हो जाते विकेट पे, क्योंकि एज लगेगा फिर वहाँ पे डिफ्लेक्शन को कैच करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई भी मीडियम पेसर को ऊपर पकड़ के करो ना तो वो लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि स्विंग होनी मतलब थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उन लोगों को दिखती नहीं हो बनाना स्विंग। ये वाली पिच शायद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए यूज होने वाली है। तुम कर रहा भाई बॉल दी थे बॉल राहुल भी आपके पास अरे यार हाथ पे दी बोले बोले यार वहाँ पे सनसेट होराइजन देखो कितना प्यारा लग रहा है शेड जो है। चलो सेकंड ओवर स्टार्ट हो गया बोले पीछे पीछे लेग साइड पे हो गया ज्यादा थोड़ा ऑफ साइड पे शाबाश बोले योर्स योर्स बोले यार अंदर आ गया राहुल जी आपका है बहुत बढ़िया नाइस 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 सिंगल सिंगल इजी अबे यार यहाँ पे लगा था बॉल यहाँ नहीं लगा था गाइस मारियो में तीन लाइफ होती है यहाँ पे भी आज शाबाश शालिन भाई यूज करेंगे आज चलो शाबाश सेकंड लाइफ स्टार्ट हो गई बोले आजा ढीले है ये ढीले अरे यार राहुल भी आप ढीले हो गए मजा आ गया ऑफ स्टंप वाली बॉल पे बोले यार बोले पीछे इजी वन निकाल दिया चार रनों के लिए आठ ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 66 बोले चार छक्के इसमें थोड़ा सा चेंज है इसमें फैंटम्स नहीं है ये हमारे थोड़े एक्स फैक्टर वाले बॉलर हैं थोड़े जडेजा वाली स्टाइल में डालते हैं मस्त लेफ्ट आर्म डायगोनल भवनेश ऊपर आ जा थोड़ा सिंगल के लिए और आ जा आजा 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 भावेश भाई आप थोड़ा इधर होके ऊपर आ जाओ स्टार्ट रखना ठीक है दोनों बोले योर 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 कल्पेश भाई शाबाश गुड वन यही सब प्रेशर बनेगा बॉयज बोले पीछे ओवे बोले कैच है राहुल भी है यार्स राहुल गेंद के नीचे अरे गुड कैच वेल बॉल चार छक्के जगू भाई का हमेशा एक एक्स्ट्रा वाला खाता चलता है 20 रन एक्स्ट्रा 30 रन एक्स्ट्रा 20 रन एक्स्ट्रा हो गए हां कैच इन लोगों ने 114 रन बनाए ऑल आउट हो गए लोग पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाए हम लोगों को 115 रन बनाए चलो वेट कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था फ्रेम में एक बार आ जाऊं यस सर चीटिंग नहीं हो सकती तुम्हारे साथ बिल्कुल मेरे साथ मैं डीआरएस मैं पहुंच गया था लेग स्ट्रिक मिडिल दो नहीं बिल्कुल नीचे रह रही यार तो लालच मच गयो ऐसी जेटली मस्त आवी थी मु भी क्रॉस मारवा जियो आनो चलो कोई नहीं सीधे से दूर में चलो गुड गेम वेडन दिया उनके लिए
आ यार वेट 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 इस बार घुमा दिया है चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं नहीं आएगा यार वही कोशिश कर रहा हूँ भाई बॉल लगी है बहुत तेज अभी उन्हें होपफुली कुछ ज्यादा इंजर्ड ना हुआ बॉलर चेंज हो गया क्योंकि उनको तो लग गई थी उनको तो बाहर भेज दिया होपफुली ज्यादा सीरियस लगा क्योंकि दो उंगली के बीच में बॉल घुस गई थी चार रन हो गए शायद चौका नहीं हो गया अरे मत लगाओ यार शॉट है यार वेट 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 मेरे को बढ़िया शॉट यहाँ पर शॉट दो है गैप में दो है अरे वेट 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 हो गया यार पता नहीं मैंने क्यों वो शॉट खेला सिर्फ दो रन चाहिए थे आराम से डबल या सिंगल लेके चौका मार के ढंग से मैं ले लेता बट पता नहीं क्यों क्रॉस मारने का आपने देखा था इस वाली इनिंग में स्टार्टिंग में जो एक स्वीप मारने की कोशिश करता हूँ मिड विकेट के साइड पे बट लगा ही नहीं यार पूरे थ्रू आउट आखिरी में फ्रस्ट्रेशन हो गया मैं उसी शॉट पे आउट हुआ हूँ ओके सो मैच हमारा खत्म हो चुका है ऑल्सो जो आप लोगों को बता था कि आज हमारा सेमीफाइनल है नहीं था लीग स्टेज का आखिरी मैच था और कल सेमीफाइनल है एंड कल जीते तो परसों भी हमारा फाइनल होगा सो इट्स अ काइंड ऑफ क्रिकेट वीकेंड बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं आज बैटिंग करने में मजा आया मस्त मिडल अच्छा नहीं हुआ कि मैं तीन दिन में तीन मैच खेल लूं बट कल का मैच इट वाज ग्रेट बैटिंग अच्छी हुई आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आज थोड़ा मुश्किल मैच भी क्योंकि सामने वाली टीम अच्छी है बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी क्रिकेट के रिलेटेड ऑल्सो एक सैड न्यूज है आप लोगों ने सुन ही लिया होगा बहुत लोगों की स्ट्रीम में सिटी वेल में बूट कैंप में हमारे साथ जो मॉडल का जो डॉग था त्रिशु या तो हमारे ही सबका डॉग था हम लोगों के साथ ही रहता था बूट कैंप में आई एम फीलिंग सैड टू से दैट ही इज नो मोर एंड आप में से बहुत लोगों ने वो चीज देख भी ली आई डोंट नो द रीजन एग्जैक्टली मेरे को भी कल ही न्यूज मिली थी ये वाली कल ग्रुप पे डाला था फिर सबको एक्नॉलेज हुआ नहीं कल नहीं परसों डाला शायद एनीवेज आई थॉट टू कम्युनिकेट इट विद यू ऑल गाइस क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी लास्ट दो व्लॉग में त्रिशूल को दिखाना शुरू करा था एंड त्रिशूल के साथ भी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी मैं टेरेस पे जाता था मतलब कॉल कुछ भी होता था नीचे बात हो ही नहीं पाती थी बूट कैंप में तो टेरेस जाके बात करनी पड़ती है एंड वहां पे वो पता नहीं बाउंड्री पे जाके खड़ा हो जाता था बालकनी की मतलब इट्स सेफ फॉर ह्यूमंस बट अगर कोई पेट उधर चढ़ के चले जाए तो वो वहां पे जाके खड़ा रहता था मैं उसको बुलाता रहता था क्योंकि मेरी भी थोड़ी बहुत फटती है डॉग से वैसे वाली नहीं फटती कि भाई कोई सामने आ जाएगा तो मैं भाग के चला जाऊंगा बट हाँ अगर वो बार्क करेगा या कुछ भी करेगा तो मैं थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बना लूंगा बट एनीवेज गाइस आई होप आप लोगों को हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आएगा इट वॉज डेडिकेटेड क्रिकेट व्लॉग एंड आज का व्लॉग भी ऐसा ही होगा कल का भी और परसों का भी क्योंकि 3 days एज आई सेड नॉन स्टॉप क्रिकेट इस वाले वीकेंड में मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में ख्याल रखेगा अपने जोर्स बाय टेक केयर पीस आउट ऑल्सो मैं इतना क्यों चल रहा हूँ अगर आज जीते तो कल मैच होगा वरना सिर्फ 2 days ऑफ क्रिकेट रह जाएगा बाय पीस आउट